नबी करीम हयात नबी हैं, जैसे सहाबा में थे वैसे ही मौजूद हैं अभी। उनकी बातों पे शक नहीं करना चाहिए। फरमाया मेरी शिकल में शैतान नहीं आ सकता, जो मुझे सोते देखेगा जागते देखेगा तो परेशानी तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जितना खुदा के यहाँ मुकर्रब वो हैं और उनकी वजह से अल्लाह रियायतें देता है, किसी की वजह से नहीं देता है। एक दुरूद शरीफ में आका जी ने इतना कुछ बता दिया एक सहाबी को कि तू कसरत से दुरूद पढ़े, उसने कहा करो पढ़ूँगा। तो आदमी का तुख्फा हम मुख फर जम्बक, जो चाहेगा हो जाएगा, जो तेरी मर्जी होगी। जो फर जम्बक गुनाह हो जाता है, गुनाह में माफ़ी रहेगी, खुदा तुझे उसकी सजा नहीं देगा, क्या चाहिए। फिर नबी की बात पर भी यकीन नहीं है, कहाँ से होगा। अब लोगों को तो मुश्किल हल करनी है, सिलसिले से हों सिलसिले से बाहर हों, उनका बोल कसरत से दुरूद पढ़ो और नीयत से पढ़ो, और नबी करीम की बात कभी गलत नहीं होती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसके दिल में आ जाए नबी ने झूठ बोला काफर है, खुद भी फिर उसी कसर से पढ़ें, लेकिन तब ये होगा जब तुम उनकी बात पे यकीन करोगे उन्होंने कहा हुआ, फिर बाकी चीज़ें खुद मामूल पे आ जाएंगी, परेशानियाँ खुद बहुत कम होंगी। वुजू है नहीं है कमज़ोरी की वजह से पढ़ते हैं, मैं वुजू करूँगा फिर पढ़ूँगा, ये ना करें। कमज़ोर के लिए रियायतें होती हैं, दोस्तियाँ वगैरह कम कर दें उनके वक़्त बचे। हमारी मुश्किल हल करने के लिए नबी अज़ीम मौजूद हैं, हयात नबी तुम्हारे सिलसिले के हैं, सिलसिले के नहीं हैं जो हैं उनको दुरुशीफ़ में लगाओ, उनका ज़हन बनाओ, नबी की बात पर यकीन होना चाहिए। कसरत तो दूसरी चीज़ें तुम खुद करने लग जाओगे आज से, कि तुम में कुछ ताकत आ जाएगी रूहानी, क्योंकि नबी करीम जब तुम्हारे तरफ रुख देंगे तो तुम्हें ताकत पैदा हो जाएगी। और जो चीज़ तुमने करनी है नहीं करनी है, गलत है याद कैसे करें, वो तुम्हारे दिल में डाल देंगे, तुम वही करोगे जो वो चाहते हैं, उनको हर किस्म का कमाल हासिल है। लेकिन करना तो चाहिए। अब नबी पर भी यकीन नहीं है तो फिर रुल के ही मरेगा। तो ये बात जो मैं आपको कही, इसकी कदर करें, औरों को लगाएं और जल्दबाजी न करें। खुदा रसूल के वादे झूठे नहीं होते।